हालिया वक्तों के अंदर क्रॉसओवर्स तो बहुत सारी नहीं आई हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एसयूवी इन इटसेल्फ सिर्फ एक ही आई है, विच इज़ दिस बाइक BJ40, और आज हम इसका रिव्यू लेकर आए हैं। मैं ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें आज इस गाड़ी का एक्सेस दिया है कि हम आपके लिए इस रिव्यू को लेकर आ सकें। तो थैंक यू सो मच ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर लेटिंग अस एक्सपीरियंस दिस कार फॉर यू टुडे। अब आप आते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये 2000 cc का टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है। ये इंजन 215 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, और इस गाड़ी के साथ आपके पास एक 6-speed की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। अगर आप इसकी साउंड इंसुलेशन देखते हैं तो आज का जो ऊपर जिसको नमदा बुलाया जाता है इंसुलेशन शीट, वो मौजूद है। आपके पास गाड़ी के फायरवॉल के ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन शीट मौजूद है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो आपके पास इधर भी ये हीट डैम्पिंग शीट जो है मौजूद है। अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास अगेन आपके पास हीट इंसुलेशन शीट्स मौजूद हैं। तो साउंड इंसुलेशन और हीट इंसुलेशन जो है गाड़ी के अंदर देखने में बहुत एक बेहतर मालूम होती है, कंसिडरिंग के इसको इन्होंने जिस तरह से पैक किया हुआ है। गाड़ी के आप सामने आ जाते हैं तो गाड़ी का जो ओवरऑल फ्रंट है काफ़ी एक एग्रेसिव है। जो पूरी गाड़ी की लुक है वो बेसिकली जीप रैंगलर और जो जीप लिबर्टी वॉक, जो जीप की जो गाड़ी है बेसिकली, उनसे इंस्पायर्ड लुक है। जो आपकी ग्रैंड रैंगलर आई है या रैंगलर, उससे इंस्पायर्ड लुक लगता है। और जो BJ40 बेसिकली, अगर आप लैंड क्रूजर को देखें तो लैंड क्रूजर के अंदर ये FJ40 BJ40 के जो चेसी कोड आते थे, जो इनिशियल मेरे पास भी सर FJ40 मौजूद है, तो उससे इंस्पायर्ड नाम और जो आपकी ओवरऑल लुक है गाड़ी की वो बेसिकली आपकी जीप के जो अमेरिकन जीप्स के मॉडल हैं उनसे इंस्पायर्ड लगती है। गाड़ी के अंदर आपके पास ये इसकी DRLs आती हैं दोनों तरफ, बीच में आपके पास फॉग लाइट्स आ जाती हैं, हेलोजन LED हेलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं आपके पास गाड़ी के अंदर। ये अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये गाड़ी के अंदर सामने लाल रंग के 2 अदद आपको हुक्स दिए हुए हैं, जो कि आपके पुल आउट एंड टो हुक कह लें इसको, और ये देखने में काफ़ी स्टर्डी लुक देते हैं। फ्रंट आपके पास बम्पर का डिफ्यूज़र आता है जो कि सिल्वर पेंट फिनिश के अंदर आता है। इसी तरह ब्लैक मैट फिनिश के अंदर आपके पास गाड़ी के अंदर साइडों पे और ये ओवर फेंडर की तरफ आते हैं। गाड़ी के अंदर 17 inch का अलॉय रिम्स है कूपर के टायर के साथ। अब कूपर का जो टायर है ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टायर माना जाता है जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर आप बोनेट के ऊपर देखते हैं तो आपकी जो हिंजेस हैं वो विजिबल हिंजेस हैं, जो कि जीप का एक बड़ा सिग्नेचर लुक है जिसको रगेड देखने में लगता है कि एक बहुत रगेड चीज़ है। यहाँ पे आपके पास जो हैं 2 अदद रबर के माउंट्स दिए हुए हैं और एक ही आपके पास जो है क्लैम्प दिया हुआ है। नॉर्मली इनको जो आपका जो विंडो है, जो विंडस्क्रीन है, उसको फोल्ड करने के लिए होता है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका एक हिंज भी दिया हुआ है। तो अगर आप इसका विंडो को फोल्ड डाउन करते हैं और यहाँ पे लाके रेस्ट अप कराएं तो इनके ऊपर रेस्ट करेगा आपका विंडशील्ड जो है। विंडो को अगर आपको इसको फोल्ड डाउन करना होता है तो उसके लिए आपको बेसिकली अपने वाइपर्स को एक तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से ये वाला जो आपका पैनल है ये LK सेट के साथ निकल आएगा, जिसके बाद आपकी विंडो को आप रोल डाउन कर सकते हैं। साइड पे अगर आप गाड़ी के देखते हैं तो आपके जो हैं बहुत जीप इंस्पायर्ड ओवर फेंडर्स आते हैं। अगेन डोर हिंजेस को अगर आप दरवाज़ों को डिस्कनेक्ट करना चाहें तो बड़े आराम से आपके यहाँ पे डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं। इंडिकेटर लाइट जो आपकी है वो आपकी यहाँ नीचे दी हुई है डोर मिरर के नीचे की तरफ, और क्रोम का आपका डोर मिरर आ जाता है। डोर हैंडल इज़ अगेन अ वेरी वेरी जीप इंस्पायर्ड डोर हैंडल जो आपके इस तरह से क्रॉस खुलता और बंद होता है। बाइक का लोगो और लॉक अनलॉक ट्रंक पैनिक बटन ये सब आपके पास मौजूद है। लॉक मैंने गाड़ी कर दी और मेरे पास चूँकि चाबी मौजूद है तो इट्स नॉट समथिंग जो कि लॉक होती है, लेकिन आपको अनलॉक इस तरह से आप करके गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, पिछला दरवाज़ा जस्ट लाइक द फ्रंट डोर आपके पास वही जीप इंस्पायर्ड है। आपका पिछला ओवर फेंडर भी जो है वो उसी तरह स्क्वायर में आता है, जो ब्लैक आपकी जो चल रही थी वो उसी तरह चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये BJ40 की एक साइड पे ब्रांडिंग हुई हुई है, और जो आपका साइड स्टेप्स हैं वो भी देखने में काफ़ी आपको रगेड लगते हैं कि विद दिस ब्रश्ड मेटल फील, और उसके ऊपर ये रबर के
इंसर्ट्स दिए हुए हैं। अच्छा, पीछे का अगर आप हिस्से को देखते हैं तो आपको जो बैक का हिस्सा है पूरे का पूरा आपका ब्लैक मैट में आता है, बिकॉज ये जो इसका रूफ है ये पूरा दो हिस्सों में खुल सकते हैं। अगला हिस्सा आपका यहाँ से खुलेगा और फिर ये पिछला जो पूरा आपका हिस्सा है ये खुल जाता है। किस तरह से उसको भी हम अंदर जब जाएंगे तो गाड़ी के अंदर देखते हैं। पीछे आप आ जाते हैं तो आपके पास अगेन स्क्वायर में बहुत जीप इंस्पायर्ड टेल लाइट है आपकी गाड़ी के अंदर, रेयर फॉग लाइट्स आ जाती हैं। जैसे आगे आपके पास ये हुक्स दिए हुए थे उसी तरह पीछे भी आपके पास दोनों तरफ हुक्स दिए हुए हैं। पीछे पार्किंग सेंसर्स और नीचे आपके पास नंबर प्लेट आ जाती है। स्पेयर व्हील इज ऑल्सो अलॉय रिम एंड अ कूपर का टायर जो कि सेम है आपका फ्रंट की तरह। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास BJ40L बाइक और आपका जो पिछला रिलीज का ये डोर हैंडल है ये भी उसी तरह है जिस तरह आपके अगले वाले हैं। इसको आप खोलते हैं तो आपका टेल गेट दो हिस्सों में खुलते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी का जो है अगेन आप उसको अगर इसका छत उतारेंगे तो ये वाला जो आपका टेल गेट का हिस्सा है ये भी निकल आएगा। क्रोम का यहाँ पे आपके पास फुट स्टेप दिया हुआ है, पिछला वाइपर ऊपर से आपका आता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपकी यहाँ आ जाती है। अब हम इसका अगर ट्रंक के अंदर आप देखें आकर तो आपके पास यहाँ पे पूरी ये कारपेट की एक फिनिश है और यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये जो गाड़ी के अंदर पूरा एक रोल केज चल रहा है वो यहाँ पे आपके पास है, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्टेबल करेंगे इसकी छत उतारेंगे तो आप ये पूरा एक रोल केज चल रहा है जिसको आप देख भी सकते हैं। और आपकी जो सीट बेल्ट है पिछली सीट की वो भी आपके रोल केज के साथ माउंट हुई हुई है। अच्छा, इसके अंदर अगर एक्सेसरीज़ में आते हैं तो आपके पास ये गाड़ी के अंदर मैट्स आते हैं साथ में जो कि एज एन एक्सेसरीज़ गाड़ी के अंदर आती है। या आपके पास ट्राइंगल और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपके पास एक ये सेफ्टी जैकेट है, सेफ्टी जैकेट आ जाती है, ये कुछ आपके पास हार्नेसेस आ जाते हैं जो वेलक्रो वाले गाड़ी के साथ, जो इसकी एल की जो आपको सारा कुछ खोलने के लिए चाहिए वो आपके पास इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास आपका व्हील पाना जैक और ये जो आपको एल की के लिए भी ये यूज़ होगा और आपका काम के उस तरह से, और इसके नीचे की तरफ वेलक्रो दिया हुआ है, यहाँ पे वेलक्रो दिया हुआ है ताकि आप इसको जहाँ भी रखें वो अपनी जगह पे चिपक जाए, लूज़ यहाँ से वहाँ ना घूम रहा हो। अच्छा, यहाँ पे आप ये फ्यूल कैप आ जाते हैं, अगेन इसको भी बड़े एक रगेड से इन्होंने लुक दिया है जो कि देखने में लगता है कि जैसे अनलॉक करके आप इसको यहीं से खोल सकते हैं, बट ये अंदर से बेसिकली खुलता है और इसको लॉक करके फ्यूल कैप इसका इस तरह से आ जाता है। अब गाड़ी के आप अंदर आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक बड़ा एक डायमंड स्टिच जिसको बोलते हैं उसके अंदर आपके पास एक छोटा सा पैनल है जो आप अगर हाथ रखा हुए तो आपका हाथ चलाते हुए इसके ऊपर होगा। ब्रश फिनिश के अंदर आपके पास ये पूरा आ जाता है अलॉन्ग विद द डोर हैंडल। डोर पॉकेट्स आपके पास दो हैं, एक ये सॉफ्ट आपकी नेट वाली और एक प्रॉपर हार्ड डोर पॉकेट आ जाती है। चारों पावर विंडोज़, विंडो लॉक, डोर लॉक एंड अनलॉक, ये सारे बटन्स आपके पास इधर आ जाते हैं। अच्छा, अगर आप ये देखते हैं जो आपकी वायरिंग चल रही है दरवाजे के साथ ये भी आपकी पूरी इस तरह से कवर्ड है, बिकॉज अगर आप इसको छत उतार के गाड़ी चलाने और कहीं गीला होता है तो ये ख़राब ना हो उसकी वजह से इसको इस तरह से उन्होंने कवर्ड किया हुआ है। और आई एम श्योर इसका कोई इजी रिलीज़ का चक्कर होगा अगर आप इसको दरवाज़ा खोलना चाहें, बिकॉज यहाँ पे ये अगर आप देखें तो एक हारनेस है जिसने दरवाजे को अपनी जगह पर रखा हुआ और ज़्यादा खोलने से रोकते हैं। सीट अगर आप देखते हैं तो इट्स फैब्रिक सीट, इट्स अ प्रिंटेड फैब्रिक सीट। अगेन अगर आपका गाड़ी आप छत उतार के चला रहे हो गीला होता है तो फैब्रिक को मेंटेन करना आसान है कम्पेयर टू लेदर के। और इट्स अ मैनुअल सीट, इट्स नॉट पावर्ड सीट। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपके ये डोर मिरर्स का आ जाता है कंट्रोलर, या आपके इंटीरियर का जो मीटर है उसका कंट्रोल आ गया, और ये आपके जो लाइट्स हैं उसकी लेवलिंग एडजस्टमेंट आ गई। गाड़ी के अंदर आने के बाद जो मुझे सबसे पहली चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये थी कि मुझे पुश स्टार्ट का बटन मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मुझे कहीं समझ नहीं आता गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होगी, तो बटन इसका बिल्कुल बीच में दिया हुआ है यहाँ पे जो डैशबोर्ड के बीच में। और अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे अगर अपनी स्क्रीन पे आ जाएं तो
इट्स अ कंप्लीट स्क्रीन, यहाँ पे आपके पास जो है एक वार्निंग आपकी आ जाती है जो आपको लो फ्यूल की वार्निंग दे रही है, इसको हम अगर एग्जिट कर देते हैं तो आपके पास जो है ये घड़ी आ गई अलॉन्ग विद द डेट। बीच में आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास आपका फ्यूल का मीटर आ गया, बीच में आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास ये टेम्परेचर का आ जाता है, नीचे आपके पास टेम्परेचर, रेडियो चैनल, ऑडोमीटर, ये सब आ गया। ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपके पास आपका कितनी गाड़ी देर से चल रही है और ये सारी कहानियाँ आ जाती हैं, एल्टीट्यूड और ये सब आ गया। इस तरफ यहाँ पे आपके पास गाड़ी की एलिवेशन है कि गाड़ी आपकी किस तरफ किस तरह टिल्ट है, और बीच में यहाँ पे आपके पास एक अदद कंपस भी आ जाता है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, काफ़ी डिटेल्ड है और इट्स अ कंप्लीट स्क्रीन। बीच में डिजिटल में आपका स्पीडोमीटर है और ये आपका पूरा ऐसे RPM चल रहा है। इसके साथ अगर आप देखते हैं तो ऊपर ये आपका एक पैडेड कवर आपको इस तरह से दिया हुआ है, गाड़ी का एयरबैग आपका इस तरफ एक आ गया, स्टेयरिंग में एयरबैग आ गया। ये आपका थोड़ा सा प्लास्टिक लिप के साथ मतलब एक लेदराइट टाइप प्लास्टिक टाइप है। बीच में इस फ्लोटिंग डिस्प्ले पे आपकी स्क्रीन आ जाती है। द स्क्रीन इट्सेल्फ इज़ स्मूथ और आपके पास यहाँ पे जैसे अगर आपके कंट्रोल्स आप देखते हैं तो AC का कंट्रोल आपका यहाँ भी है, नीचे भी दिया हुआ है, सो यू हैव लाइक मल्टीपल कंट्रोलर्स। एंड आपका AC जो है इट्स अ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसको हम इस तरह से वापस चले गए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखते हैं तो माय कार के अंदर आपके पास सेटिंग्स, ब्लूटूथ, माय कार में क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। व्हीकल सेटिंग, हेडलाइट डिले कितना है, रिमोट लॉकिंग के ऊपर लाइट आपको चाहिए कितनी चाहिए, एम्बियंस लाइट सेटिंग्स, एम्बियंस लाइट्स आपके पास हैं, TPMS, फिर ड्राइविंग असिस्ट, या आपको बता रहे हैं आपके जो है ऑयल चेंज वगैरह के सारे इंटरवल, सारी चीज़ दे रहे हैं। ड्राइविंग असिस्ट आ गया, आपके पास पार्किंग सेंसर्स वगैरह का, एंड रेडार का वॉल्यूम क्या चाहिए, रेयर व्यू चाहिए किस तरह चाहिए, सो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके जो आप AC के वेंट्स हैं ये इस तरह से क्रोम फिनिश में हैं, जिसको आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपके पास साइड पे जो बेसिकली दिया हुआ है ये वॉल्यूम कंट्रोल हैं। ये थोड़ा सा मतलब जो है ना, इसके अंदर आपका काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ऊपर यहाँ पे आप देखें तो आपका 4L, 4H, 2H, ये आपके पास मेरे ख्याल में इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन एंड ऑफ यहाँ से हो रहा है। ये आपके पास आपका स्नो मोड आ गया, स्नो मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड इसको आई गेस नॉर्मल मोड आपका होगा। ये आपने 4L, 4H इस तरह से आपका गियर सिलेक्ट हो रहे हैं कि आपको किस तरह से कौन से गियर में जाना है। ये आपके वॉल्यूम अप डाउन आ गया। यहाँ पे आपके पास जो है ये आपका AC के फैन का कंट्रोलर आ गया, हैजर्ड्स बीच में है, ड्यूल AC आप दोनों तरफ का इस तरह ऑन करेंगे, है जो इसके स्क्रीन है इसके स्क्रीन के अंदर आप वहाँ पर डिस्प्ले आते हैं। अच्छा, अब आप स्टेयरिंग के अंदर आ जाते हैं तो अगेन नीचे आपके पास यहाँ पे BJ40 लिखा हुआ आता है, बीच में बाइक का लोगो आ गया, ये आपका जो है ऑडियो मोड वगैरह सारा आ गया। यहाँ पे नेविगेशन का आपके पास एक ऑप्शन आ गया, जो कि नेविगेशन इसके अंदर शायद हमारे यहाँ पे नहीं है। मोड्स ये आपके उसमें ऑडियो मोड्स वगैरह आ जाते हैं। ओके, नेविगेशन अगेन, यहाँ पे आपके पास एक क्रूज कंट्रोल के कंट्रोलर्स आ गए। तो ये आपके पूरे कंट्रोलर्स इस तरह से आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं तो आपका ये 6-speed का जो गियर है विद मैनुअल कंट्रोलर, इट्स अ प्रोपोगेटरी गियर के आपका जो है इस तरह से चलता है और आप मैनुअल प्लस माइनस ऐसे चले जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपके पास अगेन ये एक रेडियो का पूरा कंट्रोलर आ गया, मीडिया पावर पूरा इस तरह से आ जाता है। ये आपकी जो है पार्किंग ब्रेक आ गई, बीच में आपके पास एक लाइटर और साइड में दो कप होल्डर्स आ जाते हैं। आर्मरेस्ट को अगर आप देखते हैं यूं खोल के तो एक आपकी आर्मरेस्ट एंड यहाँ पे आपके पास एक पियानो फिनिश के अंदर ग्लॉस में ही पूरा जो कंसोल है ये इस तरह से आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी आपके पास और पावर जगह आ जाती है। आर्मरेस्ट में आप अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक कार्ड होल्डर आ जाता है, बिकॉज जीप इंस्पायर्ड है तो उसको थोड़ा सा उन्होंने यूटिलिटी उस तरह से दी है। इधर देखते हैं तो ये आपके पास एक ग्रैब हैंडल है, जिसके साइड में यहाँ पे BJ40 अगेन उसकी ब्रांडिंग आ जाती है, और ग्लव कंपार्टमेंट है आपके पास, एक डिसेंट साइज का ग्लव कंपार्टमेंट है।
अब ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो आपका जो मिरर है वो आपका मैनुअल डे नाइट मिरर है, इट्स नॉट ऑटोमेटिक वन। इधर आप देखें तो आपके पास सन वाइज़र है जिसके अंदर मिरर आ जाता है। इधर वाले सन वाइज़र में भी आपके पास उसी तरह से मिरर आ गया दोनों तरफ। अच्छा, रूफ़ को खोलने के लिए आपके ये वाले जो हिस्से हैं दो पीसेस में और फिर पिछला एक पूरा पीस में आ जाता है। इसको आप अगर खोलेंगे तो ये बेसिकली आपके मैनुअल लॉक्स हैं सारे इस तरह से, और यहाँ पे भी ये मैनुअल आपने अनलॉक किया, यहाँ से अनलॉक किया आपने और आपने इसको अनलॉक किया। तो अब आपका ये वाला जो रूफ़ का हिस्सा है ये आपने पूरा इसको करके आई सपोज यू शुड बी एबल। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक लॉक है दिया हुआ है। यस, दीज आर ऑल लॉक्स जो कि आप इसके करके यू शुड बी एबल टू या इस तरह से आपका पूरा रूफ बाहर आ जाता है। ये आप देखें तो आपके सारे रूफ का पीस निकल आता है। अब इसको वापस हम अंदर करके लॉक लगा देते हैं तो ये वापस लॉक हो जाएंगे अपनी जगह पे। इसको सबसे पहले यहाँ से टाइट करते हैं ताकि वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे मुझे टाइट होता हुआ दिख भी रहा है, सो वंस दिस इज ऑल टाइट आप इसको वापस अपनी जगह पे लॉक लगा के बिठा सकते हैं। जैसे ये वाला बैठ गया पीस आपका, ये बैठ गया। तो ये आपके सारे इस तरह से आपने रूफ को वापस अपने आप में बैठा दिया, ये सारे लॉक्स लगा के, और इसको आपने टाइट कर दिया यहाँ से। सो दैट्स व्हाट इट इज। ये अच्छा, अगर आप ये देखते हैं तो आपकी ये ग्रो जो है पूरा यहाँ पे आपके रोल केज चल रहा है, यहाँ पे पीछे पूरा आपके रोल केज है, साइड पे पूरा रोल केज आ रहा है। जो अगर आप इसके ग्रैब हैंडल्स को चेक करें तो वो भी एक रोल केज मतलब के साथ आपके अटैच्ड हैं, और ये काफ़ी ऐसे रगेड किस्म के हैं जिसको आप खोल सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो देखने में मतलब एक बहुत ही आपको ऑफ रोडिश रगेडिश फील इस गाड़ी के अंदर मिलता है। पिछली सीट पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आपके पास एसी के पिछले वेंट्स आ जाते हैं, और उसके साथ नीचे आपके पास ये बेसिकली एक स्टोरेज का छोटा सा कह लें बेसिकली लाइटर और एशट्रे की जगह है, लेकिन इट्स अ स्टोरेज स्पेस बिकॉज आपका लाइटर यहाँ पे नहीं है, इट्स नॉट अ स्पोकस पैकिंग व्हीकल। ये आपके पास एसी के वेंट्स आ गए, पिछला आर्मरेस्ट जिसके अंदर दो अदद कप होल्डर्स आपके पास आ जाते हैं और आप इसको इस तरह पीछे ले जाते हैं। अच्छा, ये स्प्लिट है सीट जो है ये वाली, इट्स अ 60-40 का स्प्लिट, तीन लोग बैठ सकते हैं और मेरे हिसाब से शायद आराम से बैठ भी जाएं इसके अंदर। जो सीटिंग पोस्चर है आपका टांग बिल्कुल ऐसे सीधी आती है, हेड स्पेस आपका मुनासिब है, तो इट डज नॉट सीम दैट बैड इन द बैक सीट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पिछली सीटों के अंदर भी आपके पास ये सॉफ्ट वाला नेट वाली डोर पॉकेट्स हैं। आपके पास पिछले दरवाज़ों में आप देखते हैं तो भी नेट वाली डोर पॉकेट्स आ जाती हैं, और जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो अगले वाले की तरह की ही पीछे भी मेंटेन करती है। बीच में आपके पास यहाँ पे जो है ये आपकी एक लाइट आ जाती है, जो इन गाड़ी के अंदर वाली आपकी लाइट है, एक यहाँ है और एक फिर पीछे आपके पास आती है जी। तो अब मैं ये बाइक BJ40 चला रहा हूँ। विजिबिलिटी पे सबसे पहले बात करते हैं, वेरी नाइस विजिबिलिटी, क्योंकि वो एक प्रॉपर SUV वाली विजिबिलिटी है, तो मुझे जो पीछे साइडें बोनेट का जो व्यू है रियली नाइस व्यू। नॉर्मल मोड में हूँ इस वक्त और गाड़ी का स्टेयरिंग की हैंडलिंग और गाड़ी इटसेल्फ की जो हैंडलिंग है काफ़ी एक मतलब बहुत लाइट स्टेयरिंग फील हो रहा है मुझे। अच्छा, इस वक्त इस गाड़ी की तकरीबन 82 लाख रुपीज़ इज़ द प्राइस, एंड 4 से 6 महीने का इसका वेट पीरियड है। लोकल गाड़ी है, नॉर्मल मोड में अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो चूंकि टर्बो है, नॉट बैड एट ऑल, आई एम ऑन 83, 82 ऑलरेडी, सो नॉर्मल मोड में भी इट्स नॉट लाइक के कंप्लेन नहीं है। अभी इसको स्पोर्ट्स मोड में भी थोड़ा सा डाल के चेक कर देंगे स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी क्या करती है। फ्यूल इकॉनमी जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 6 से 7 की क्लेम कर रही है, बट वो मेरी इनसे भी बात हो रही थी तो दे वर टेलिंग अस के जो
इन लोगों के पास कुछ कस्टमर्स हैं जो 8 की भी एवरेज ले रहे हैं. सो गाड़ी चूंकि एक वो भागने दौड़ने वाली टाइप की गाड़ी है तो ऑब्वियसली फ्यूल इकोनॉमी वुड वेरी. थोड़ा सा अगर रोड खाली होता है तो उसको स्पोर्ट्स मोड में भी डाल के देखते हैं कि उसमें कितना एक फ़र्क आता है गाड़ी के अंदर. बर्फ़ मुझे अभी मिलेगी नहीं कहीं तो आई थिंक स्नो मोड हम ट्राई नहीं कर पाएंगे. बट इट्स अ प्रॉपर फोर व्हील एसयूवी. फाइव सीटर है लेकिन एक प्रॉपर फोर व्हीलर है. इसको आप क्रॉसओवर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. विद द प्राइस पॉइंट दैट दिस कार इज़ इन यू कैन कंपेयर इट विद द लाइक्स ऑफ योर डी मैक्स. बट वो पिकअप ट्रक्स हैं, कैपेबिलिटी है उन गाड़ियों की भी. ये आपको जो है एक ड्यूल कैपेबिलिटी इसमें मिल जाती है, विच इज़ कि आपको इसके अंदर एक फाइव सीटर, आपके पास एक एसयूवी है जिसको आप एक कन्वर्टेबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ द गुड कैपेबिलिटी वाला चीज़ इन दिस व्हीकल. अच्छा, इसके जो इंडिकेटर हैं वो उल्टी तरफ हैं, मतलब आपका जो इंडिकेटर है इस तरफ है और आपका जो वाइपर है वो सीधे हाथ के ऊपर आता है. तो चूँकि टर्बो है, नॉर्मल मोड में भी, मैं फिर बताता हूँ कि नॉर्मल मोड में भी कोई आपको इस गाड़ी से इतनी शिकायत नहीं है. लेकिन अब अगर हम इसको स्पोर्ट्स मोड में डालें और फिर हम चेक करें कि क्या करती है, तो लेट्स सी. अब हम स्पोर्ट्स मोड में आ गए. इनिशियल टर्बो लैग तो है, बट जो गाड़ी का आफ्टर दैट इनिशियल टर्बो लैग, कार डज ऑफर यू देर इज डिफरेंस. बट चूंकि गाड़ी टर्बो है तो वो नॉर्मल मोड में भी कोई इतना बुरा नहीं भागती है. लेट्स जस्ट गो बैक टू दिस नॉर्मल मोड. इंटरेस्टिंग. गाड़ी की ब्रेकिंग भी अच्छी है एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ कोर्स बीइंग व्हाट इट इज़, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है ही. लेकिन क्या उसे कहते हैं, जो राइट क्वालिटी है, जो जीप्स की एक टिपिकल राइट क्वालिटी होती है विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल काइंड ऑफ अ राइट क्वालिटी, वो नहीं है. तो उसमें नई जीपों वाला जो कम्फर्ट टाइप की जो आपको राइट क्वालिटी मिलती है, यू हैव दैट इन दिस कार विच इज़ एन एडेड प्लस. 210 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और जो सीट का कम्फर्ट है दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल बिकॉज फेब्रिक है तो बहुत कम्फर्टेबल है. तो ये हमारा रिव्यू था इस बाइक BJ40 का. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स.